अब हमारी बात जब टाइम साइकिल की चल रही थी, तो पिछले सेशन के अंदर हमने बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किया था, जिसके अंदर हमने एंशियंट यूनिट्स ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारे जैन टेक्स्ट में टाइम के ऐसे कौन से यूनिट्स यूज किए जाते हैं। सो उसके अंदर हमने समय से लेके, मुहूर्त से लेके, पल्लवोपम से लेके, सागरूपम से लेके, ऋषभदेव भगवान का आयुष्य पूर्व में था, 84 लाख पूर्व था, तो पूर्व क्या था वो भी समझा। और हमने ये जाना था कि जब भी हम चैत्य वंदन करते हैं और उसके अंदर चैत्य वंदन सूत्र कोई भी परमात्मा का बोलते हैं, तो उसके अंदर परमात्मा का डिस्क्रिप्शन आता है, और उसके अंदर ये जो टाइम की यूनिट्स है, अगर हम समझ गए हैं तो हम बहुत ही इजीली उसका जो मीनिंग है वो डिकोड कर पाते हैं। साथ ही साथ टाइम के साथ साथ रमेश अंकल, हमने डिस्टेंस के यूनिट्स देखे थे और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उसके अंदर हमने धनुष के बारे में, हाथ के बारे में, कोश के बारे में, और साथ ही साथ गाऊ क्या होता है, 6 गाऊ की फेरी, योजन क्या होता है, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी। अब आज टाइम साइकिल की इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले हमारा जो डिस्कशन का ग्रुप है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं कि काफी जगह पे साइंस और जैनिज्म, ये दोनों को रिकंसिलिएशन कैसे करना, यानी दोनों के बीच में ये जो एक सेतु है वो कैसे जोड़ना, कहीं कहीं साइंस कुछ कहता है और जैनिज्म कुछ कहता है। सो हमें सबसे पहले आज मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा प्रमाण का कॉन्सेप्ट करें, कि जिससे हमारा माइंड थोड़ा और ओपन अप हो, और उसके बाद हम टाइम साइकिल के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। तो आज हम 3 प्रमाण की बात करने वाले हैं। अब कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका प्रमाण क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका प्रूफ क्या, हम कैसे कह सकते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो हम ऐसे तो शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण बताए हुए हैं, पर आज हम 3 प्रमाण की बात करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो आप लिख सकते हो, ये आपकी परमानेंट एक क्या कहते हैं, एक परमानेंटली आपके पास ये कंटेंट रह जाएगा, और कभी भी आप रिफर करना चाहो तो इसे रिफर कर सकते हो। सो पहला प्रमाण हम देख रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अब जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, यानी कि हमें जो चीज साक्षात दिखाई देती है, हम जिस चीज को साक्षात ग्रहण कर सकते हैं, भले वो कान से हो, नाक से हो, आंख से हो, या हम खाने के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, अब इस चीज में हमें किसी की प्रमाण की जरूरत नहीं, हम खुद ही अपने आप में एक प्रमाण है, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। अब हम दूसरे प्रमाण की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अब ये अनुमान प्रमाण क्या होता है? जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने कोई चीज देखी हुई है और अभी वो चीज नहीं दिखने के बावजूद भी उस चीज से जुड़ी हुई कुछ निशानियों के द्वारा, कुछ ऐसे सिम्टम्स के द्वारा, कुछ ऐसे लिंगों के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि ये चीज यहां मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जो अग्नि होती है, तो अग्नि जलती है तो धुआं निकलता है, तो अब जैसे ही हमने धुआं देखा, दूर कहीं धुआं देखा, तो हम क्या प्रमाण करते हैं कि वहां आग लगी होनी चाहिए, इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। जैसे हम छोटे थे सो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट स्कूल में करते थे, केमिस्ट्री के लैब में करते थे, और जब एक्सपेरिमेंट्स करते थे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देखते थे, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आती थी, और ये निशानियों से ऐसी सिम्टम्स के द्वारा हम कहते थे कि मुझे ऐसी स्मेल आ रही है, ऐसा कलर दिख रहा है, तो इससे मैं अनुमान करता हूँ कि ये गैस होनी चाहिए, ये केमिकल होना चाहिए। सो प्रमाण यानी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका प्रूफ क्या है, बराबर, तो उसको प्रूफ को प्राप्त करने के डिफरेंट डिफरेंट प्रमाण है। सो पहला आपने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में मुझे सामने ही रमेश अंकल दिख रहे हैं, तो अब मुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष है, सो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कभी बहुत ट्रैफिक होता है या हम रास्ते पे देखते हैं कि सिग्नल है, तो सिग्नल रेड होता है तभी गाड़ी खड़ी होती है, और सिग्नल ग्रीन होता है तो गाड़ी चलती है, पर मानो कि गाड़ी के जो शीशे है उसके अंदर से हमें कोई अंदर व्यक्ति बैठा है वो नहीं दिखाई देता है, पर फिर भी हम अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि सिग्नल रेड होते ही गाड़ी स्टॉप होती है और ग्रीन होते ही गाड़ी चलती है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके अंदर चलाने वाला ड्राइवर होना ही चाहिए, तो इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अब जो तीसरा प्रमाण है वो बहुत खूब है, इसकी बात हम करने वाले हैं, और तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, जिसे आगम प्रमाण भी कहा जाता है। अब देखिए,
दुनिया में जितनी चीजें हैं वो हम खुद अनुभव से जान सके, हमें डायरेक्टली वो मालूम पड़ सके, ऐसा तो हो नहीं सकता। और सभी चीजें अनुमान के द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रमेश अंकल अफ्रीका गए और अफ्रीका में उन्होंने सफेद हाथी देखा। अब मैं तो कहीं ट्रैवल किया ही नहीं है, मैं तो इंडिया में ही पढ़ा हूँ, मैंने तो कभी सफेद हाथी देखा ही नहीं, और रमेश अंकल आके मुझे कहते हैं कि नील मैंने अफ्रीका के अंदर सफेद हाथी देखा। सफेद हाथी? सो मैंने बोला कि सफेद हाथी भी होता है, ओके अफ्रीका में सफेद हाथी होता है। अब मैंने ये कैसे मान लिया? तो रमेश अंकल के शब्दों को मैंने प्रमाण माना कि रमेश अंकल ने ये कहा है तो ये प्रमाण है कि अफ्रीका में सफेद हाथी होने चाहिए। आप समझ रहे हो? देखो कुछ कुछ चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम ग्रहण करते हैं, कुछ कुछ चीजें अनुमान के द्वारा, पर कुछ कुछ चीजें है ना वो हमें शब्द प्रमाण से स्वीकारनी पड़ती है। अब जब हम शब्द प्रमाण अपनाते हैं तो यहाँ प्रश्न आ सकता है कि जिस व्यक्ति की वो शब्द है वो सही ही है, ऐसा कैसे कहा जाए? जैसे कि रमेश अंकल ने कुछ कहा तो ये सही ही है, ऐसा कैसे कहा जाए? तो मुझे मेरा अनुभव है उनके साथ, मेरा एक ट्रस्ट फैक्टर जुड़ा हुआ है। पर अगर लॉजिकली इस चीज का एनालिसिस करना हो तो चलो आज एक एनालिसिस की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको एक केस स्टडी देता हूं। आप सोचिए कि व्यक्ति जब भी झूठ बोलता है, ठीक है, तो झूठ बोलने के पीछे कारण क्या होता है? सोचिए जब भी व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस झूठ बोलने के पीछे कारण क्या होता है? देखो हम थोड़ा लॉजिकली समझने की ट्राई कर रहे हैं कि तीर्थंकर ने जो कुछ कहा वो हम सच ही कैसे मान ले, उन्हें प्रमाण कैसे मान ले, ठीक है। सो हम लोग यहां थोड़ा एनालिसिस करने के लिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है। किसी ने लिखा कि उसकी गलती छुपाने के लिए, किसी ने लिखा फियर के कारण। सो आपने अच्छा चिंतन किया है डेफिनेटली कि फियर के कारण भी व्यक्ति झूठ बोलता है और गलती छुपाने के लिए झूठ बोलता है। पर गलती छुपाना क्यों है? क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई भय पड़ा हुआ है, कोई ना कोई फियर पड़ा हुआ है। सो जब हम थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे, डर यानी फियर, ठीक है, ओवर बेनिफिट, ठीक है, किसी ने लिखा ओवर बेनिफिट, आई अप्रिशिएट जिसने रिस्पॉन्स किया, आई रियली अप्रिशिएट। आप बहुत अलर्ट और अटेंटिव हो, सो आई रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके पीछे अगर थोड़ा डीपली स्टडी करें तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर ये सभी कारणों के रूट के अंदर, ये सभी कारणों की जड़ के अंदर क्या है, यानी कि रूट कॉज क्या है, अगर उसका एनालिसिस करें तो हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि व्यक्ति झूठ बोलता है उसके पीछे चार कारण। एक, अगर व्यक्ति के अंदर राग पड़ा हुआ है, यू कैन राइट इट डाउन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एक, उसके अंदर राग पड़ा हुआ हो। दूसरा होता है उसके अंदर द्वेष पड़ा हुआ हो। तीसरा होता है उसके अंदर फियर पड़ा हुआ हो। और चौथा होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट नॉलेज हो। देखो मैंने चार कारण लिखवाए। अब आप कितने भी देख लीजिए केसेस के जहां जहां व्यक्ति झूठ बोला है उसके पीछे कहीं ना कहीं रूट में या तो राग पड़ा रहेगा, यानी खुद की अटैचमेंट, या सामने वाली व्यक्ति के लिए अटैचमेंट, या तो कोई वस्तु के लिए अटैचमेंट, ये फीलिंग है तो ही वो वस्तु प्राप्त करने के लिए वो झूठ बोलेगा, खुद के बचाव के लिए, क्योंकि खुद के ऊपर अटैचमेंट है, ठीक है, या तो उसके अंदर फियर है, डर लग रहा है। जैसे अगर कोई चोर चोरी करता है और शायद पुलिस उसको पकड़ ले आता है तो सबसे पहले चोर क्या कहेगा, नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की। क्यों ऐसे कह रहा है? क्योंकि उसको डर है कि अगर पुलिस को मालूम पड़ गया मुझे पकड़ लिया तो मुझे डंडे पड़ेंगे या तो जेल में जाना पड़ता है। इसीलिए फियर के कारण व्यक्ति झूठ बोल सकता है। अब दूसरा हमने देखा हेट्रेड के कारण। अब देखिए आप हेट्रेड के कारण क्यों झूठ बोल सकता है? आपको किसी व्यक्ति के प्रति हेट्रेड है, आपको वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसा तो हम देखते ही हमारे डे टू डे लाइफ में और कितनी न्यूज में भी आता है, अगर आपको किसी व्यक्ति के प्रति हेट्रेड है तो उसको आप रिवेंज लेने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, उसको डिफेम लेने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए आप झूठ बोल सकते हो। हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये सब चीजें व्यक्ति में है तो वहां प्रोबेबिलिटी है झूठ बोलने की, अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी कम कम होती होती जीरो तक भी हो सकती है जब ये चारों कारण जीरो हो जाए। सो अब हम बात करते हैं चौथा कारण जिसे कहते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज। रमेश अंकल, हम लोग ने इंजीनियरिंग की थी ना, तो हम लोग इंजीनियरिंग में वाइवास देने जाते थे, यानी जिसे ओरल एग्जाम्स कहते हैं।
जैसे अभी आप समझ सकते हो कि इंजीनियरिंग में कैसा माहौल होता है, कभी कभी पढ़ाई भी नहीं करते, ऐसे ही कैजुअल एटीट्यूड के साथ जाते हैं, पर एक एटीट्यूड वो भी होता है कि भले कुछ नहीं आया ना पेपर में लिखने का, पेपर का भरने का, ठीक है, जो भी हमारे प्रोफेसर पूछे तो उसका आंसर देने का, भले कुछ नहीं आता है फिर भी कुछ बोलने का। तो अब इसमें क्या होता है कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, जो क्वेश्चन आपको पूछा उसका नॉलेज नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो बराबर उसके अंदर झूठ होने के चांसेस है, यानी कि जो आप आंसर दे रहे हो वो झूठा हो सकता है डेफिनेटली। सो यहां मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर व्यक्ति के अंदर कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो भी चांसेस है कि वो जो बोले उसके अंदर झूठ के मात्रा हो सकती है, झूठ के परसेंटेज हो सकते हैं। सो यहां हमारा एनालिसिस ये चल रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए बात हम लोग ये कर रहे थे कि तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा है वो हम शब्द प्रमाण से स्वीकार लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अभी जैसे आपको बोला कि देवलोक है नरक है, तो आप बोलोगे कहाँ है देवलोक बताओ, नरक कहाँ है बताओ, जैसे हमारे डिस्कशन ग्रुप में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, डेफिनेटली हम लोग आंसर करेंगे ही समय समय पे, पर कहाँ है देवलोक बताओ, कहाँ है निगोद बताओ, तो हर चीजें तो हम लोग देख नहीं सकते, हर चीजें तो हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो नॉलेज है वो सीमित है। अभी सीमित नॉलेज में आपको असीम चीजें ग्रहण करनी है तो वो तो कैसे पॉसिबल होगा। हम दुनिया में है, हमारे यहाँ जितनी फील्ड है वो सभी फील्ड का नॉलेज भी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आप बोलो कि मेरे को डॉक्टर भी पढ़ना है, सीए भी पढ़ना है, मुझे हर फील्ड का, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो कभी कभी डॉक्टर ने बोला कि आपको बुखार है तो आपको दवाई लेनी है, तो उसके शब्दों को प्रमाण माना भाई, हाँ लेना है, क्योंकि वो पर्सन को प्रमाण माना, ये पर्सन कह रहा है इसीलिए ये लेना है। हर चीजों में तो आप एक्सपेरिमेंट करके एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमारी यहाँ बात ये चल रही है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसके प्रमाण के अंदर हमने देखा प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, जिसे आगम प्रमाण कहते हैं। अब देखिए हम यहाँ एनालिसिस कर रहे थे कि तीर्थंकर के जीवन में ये चार चीजें में से एक भी चीज अगर हो तो एक चीज होगी तो 25% प्रोबेबिलिटी होगी झूठ बोलने की, और एक भी चीज नहीं हुई तो 0%, चार चीज हुई तो फुल चांसेस है झूठ बोलने की, ठीक है। पर अब देखिए हम लोग महावीर स्वामी भगवान की लाइफ एनालिसिस करते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने रमेश अंकल 30 इयर्स की एज में दीक्षा ली। अब 30 इयर्स की एज में दीक्षा ली तो भर युवान वय में दीक्षा ली, और वो तो प्रिंस थे, इतनी वेल्थ थी उनके पास, ओके, ही वॉज बिलोंगिंग लाइक यू नो वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सब चीजें छोड़ दी, ठुकरा दी, ठीक है, सभी के प्रति जो खुद का अटैचमेंट था वो तोड़ दिया, तभी तो वो आगे जा सके। देखो ये घर सब घटनाओं का एनालिसिस करेंगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सब घटनाओं से मालूम पड़ता है कि इनकी जीवन में अटैचमेंट नहीं था। ये तो मैंने खाली दीक्षा ली तभी की बात कर रहा हूं, पर फिर भी आप आगे की लाइफ में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। अब सेकंड, उनके जीवन में हेट्रेड, आप देखिए उनके ऊपर कितने उपसर्ग आए। महावीर स्वामी भगवान की जीवन में कुछ कम उपसर्ग आए, शायद कल्पसूत्र तो सबने पढ़ा होगा, कल्पसूत्र नहीं पढ़ा हो नहीं सुना हो तो आपने महावीर स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ा होगा। तो अब महावीर स्वामी भगवान के ऊपर इतने सारे महावीर स्वामी के जीवन में इतने सारे उपसर्ग आए, ठीक है, पर ये सभी उपसर्गों के अंदर जिस जिसने उनके उपसर्ग ऊपर उपसर्ग किए उन्होंने उनके प्रति हेट्रेड की फीलिंग दर्शाई, आपको कहीं भी वो देखने मिलता है, कान में भले खीले ठोके या संगम देव ने इतने उपसर्ग किए पर फिर भी भगवान ने जरा भी उनके प्रति द्वेष भाव नहीं किया। आप ग्रंथ पढ़ोगे आगम तो उसमें जब भगवान की स्तवना करते तो पहली गाथा में ही लिखते कि महावीर भगवान कैसे हैं, तो वो समता को धारण करने वाले, यानी उनकी जो भक्ति करते हैं उनके प्रति भी उनको बायसनेस नहीं है, और अगर कोई उनकी अवहेलना करते हैं उनको उपद्रव देते हैं उनके प्रति भी उनको न्यूट्रलिटी संभाव है। आप देखिए यही तो गुण है जो हमें और तीर्थंकरों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो बेसिकली हमारी बात ये चल रही थी कि ना ही उनके अंदर हेट्रेड की फीलिंग है। अब हम तीसरा मुद्दा उठाते हैं जिसे हमने कहा भय, फियर। तो अब आप देखिए कि भगवान महावीर इतनी साधना उन्होंने जंगल में की,
अब ऐसा भी तो सुनते हैं कि जंगल में तो इतने हिंसक पशु होते हैं, इतने वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, और ये वाइल्ड एनिमल्स की रोर है, आवाज है, उनके उपद्रव है, ये सभी से भी भगवान डरे नहीं, क्योंकि उनका उपयोग उनकी आत्मा के अंदर था। बराबर, वो शरीर की परवाह नहीं कर रहे थे, आत्मा की परवाह कर रहे। अब तक हम लोग शरीर में जुड़े हुए, इसीलिए हमें डर लगता है, फियर लगता है। बाकी अगर कोई संत की बात करें तो एक संत थे, तो उन्होंने उनके गुरु के पास बहुत पढ़ाई की, तो अब उनका उपदेश देने का समय आया, तो उनको गुरु से अलग होना पड़ सके, ऐसा समय था। तो गुरु ने सोचा कि मैं ये शिष्य की परीक्षा कर लेता हूँ, शायद वो मेरे से अलग हो रहे हैं, फिर आगे चल के बराबर ये सब चीजों को कैसे हैंडल कर सकेंगे, यानी उनके अंदर उतनी योग्यता है। तो गुरु ने पूछा कि आप उपदेश देने जा रहे हो, कल उठ के ऐसा हो कि आप जहां उपदेश देने जा रहे हो वहां लोग आपको भोजन नहीं दे, तो आप क्या करें? तब शिष्य ने कहा, कुछ नहीं, मैं ऐसे सोचूंगा, भले मुझे भोजन नहीं दे रहे पर मुझे कष्ट तो नहीं दे रहे। गुरु ने बोला कि आपको कष्ट भी दे, तो भले मुझे कष्ट दे रहे पर मुझे प्राण से मार तो नहीं रहे। गुरु ने बोला, आपको मार भी डाले? तो बोले, भले मेरे शरीर को मारे, मुझे तो नहीं मार सकते, यानी कि मैं तो आत्मा हूं। आप देखिए कि उनका इतना अध्ययन करके उनकी दृष्टि आत्मा की ओर चली गई थी, इसीलिए उनको बिल्कुल फियर नहीं था। अगर हम ही ऐसे सिचुएशन में कभी हॉलीडेज के लिए जाते हैं और कोई ऐसा विला लिया, हाउस लिया, जंगल हाउस लिया, और वहां रात को बाहर निकले और एक आवाज आई, तो तुरंत ही भाग के वापस हमारे विला के अंदर आ जाएंगे। आप देखिए ये सब प्रैक्टिकल चीजें, और ये 12.5 साल ऐसे घनघोर वन के अंदर साधना करनी, इट इज नॉट द सिंपल टास्क। अगर किसी ने फियर को जीता है तो ही वो कर सकता है। तो ना ही उनके जीवन का एनालिसिस करते तो उनके जीवन में फियर देखने मिलता है। और आपको तो मालूम ही, हमने आत्मा का और कर्म का जो कॉन्सेप्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि आत्मा होती है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होती है, ज्ञान गुण होता है, पर हरेक की कॉन्शियसनेस का जो मैनिफेस्टेशन है वो कम ज्यादा हुआ है, यानी किसकी कॉन्शियसनेस फुल्ली मैनिफेस्ट हो चुकी है और किसकी कॉन्शियसनेस थोड़े मात्रा में। सो अब भगवान है, उन्होंने सभी कर्म शेड ऑफ कर लिए, तो उनकी कॉन्शियसनेस फुल्ली मैनिफेस्ट हो चुकी है। तो ना ही उनके अंदर राग है, ना ही उनके अंदर द्वेष है, ना ही उनके अंदर भय है, और ना ही उनके अंदर इनकम्प्लीट नॉलेज है। सो जो भी तीर्थंकर कह रहे हैं वो सच ही होगा, ऐसा तर्क से भी हमें सिद्ध करना होगा। तो कुछ कुछ चीजें हमें दिमाग से नहीं समझ में आएगी, और साइंस के भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, तो वो भी इतना फाइंडिंग्स कब करेगा, गॉड नोज। बट कुछ कुछ चीजें हमें शब्द प्रमाण से मानना ही होगा। आई होप ये सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। आई कुड हैव स्ट्रेच्ड मोर बट आई गेस दिस मच इज इनफ एज ऑफ नाउ। सो हमारी बात चल रही थी टाइम साइकिल के ऊपर, पर टाइम साइकिल के कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि हमारी फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट ऐसे है कि कभी कभी हम साइंस के वे से सोचेंगे तो हम कुछ कुछ चीजें नहीं भी समझ पाए, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हमें शब्द प्रमाण को समझना बहुत ही आवश्यक था, और जिसके शब्द है उस व्यक्ति को समझना भी बहुत आवश्यक था। इसीलिए हमने शब्द प्रमाण लिया और साथ ही साथ उस व्यक्ति को भी समझने की ट्राई की। तो अब हम समय के चक्र और काल चक्र की ओर प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, हमने जो सबसे बड़ा यूनिट समय का किया था उसे सागरोपम कहा जाता है। अब सागरोपम, एक सागरोपम यानी कितना, तो हमने देखा था 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, ठीक है। सो अभी ये जो काल चक्र हमारा है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है। देखो काल चक्र बहुत बड़ा है, तो इसको अगर समझना है तो इयर्स के अंदर हम नहीं समझ सकते, हमें बड़ा यूनिट चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम बड़े यूनिट्स की ओर आगे बढ़ते बढ़ते सागरोपम हमने समझा, और हम अब टाइम साइकिल का जो पूरा ड्यूरेशन है उसको समझ रहे हैं, उसका ड्यूरेशन है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब देखिए, आपको कोई बोले कि हमारे ईयर के अंदर कितने डेज आते हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है, सो यू विल से दैट वी हैव 365 डेज इन अ ईयर। तो सिमिलरली ड्यूरेशन ऑफ टाइम साइकिल 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, जिसके अंदर बहुत सारे ईयर आ जाते हैं। एनीवेज, चलो सो ये टाइम साइकिल को समझने के लिए काम करते हैं। सब लोग आंख बंद करें और अपनी आंख के सामने हमारा जो वॉल क्लॉक होता है वो वॉल क्लॉक को आंख के सामने लेके आ जाइए। अब आंख के सामने लेके आ गए, अब आंख खुली रहेगी तो भी आप उसको विजुलाइज कर पाओगे। सो ये वॉल क्लॉक जो है ना, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मिनट हैंड्स, आवर हैंड्स रहते हैं, सो ये सब 12 से 12 ऐसे चलते हैं। तो अब क्या होता है,
कि पहली साइकिल कंप्लीट होती है 12 से 12, फिर सिमिलर काइंड की साइकिल रिपीट होती है। तो जहां रिपीटेशन दिखता है ना, उसको सर्कुलर प्रेजेंटेशन दे देना तो उसको समझना और आसान हो जाता है, क्योंकि एक टाइम साइकिल जाने के बाद जो दूसरी टाइम साइकिल आएगी उसका फेज भी सिमिलर टाइप का होगा, उसके अंदर भी चेंजेस आपको सिमिलर टाइप के देखने मिलेंगे। तो आपने एक ही टाइम साइकिल को अच्छे से समझ लिया तो आप उसके बाद जितनी भी टाइम साइकिल आने वाली है वो भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और उसके पहले जितनी भी टाइम साइकिल हो चुकी है वो भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसीलिए हम लोग उसको सर्कुलर प्रेजेंटेशन के अंदर लर्न करने की ट्राई कर रहे हैं। सो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है टाइम साइकिल का। सो आप सब वॉल क्लॉक को विजुलाइज कर रहे हो 12 से 12, ओके, पर ये टाइम साइकिल बहुत बड़ी है। अब इसको समझना है कितना डिफिकल्ट हो जाता है। देखो हमने ईयर को भी 3 सीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। हमारे इंडियन ऐसे तो 6 ऋतुएं होती है 2-2 महीने की, पर हम लोग 3 जो हम प्रोमिनेंटली यूज करते हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, ठीक है। सो रेनी सीजन 4 मंथ्स, विंटर सीजन 4 मंथ्स एंड समर सीजन 4 मंथ्स, राइट। तो कैसे ये सीजन के अंदर चेंज आते हैं, नेचर की एक साइकिल है ना, यू सी चेंजेस, राइट। सो बेसिकली टाइम का काम होता है चेंज लाना। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ टाइम, चेंज लाना। जैसे हम लोग छोटे होते हैं, सो छोटे होके थोड़े बड़े होते हैं, राइट। सो बेसिकली हमारे अंदर चेंज आया, 5 साल के थे, 15 साल के हुए, सो उसके अंदर क्या हुआ, 5 से 15 पहुंचे तो हमारे अंदर कितना चेंज आया। तो टाइम का काम क्या था, चेंज लाना, और वो चेंज को मेजर करने के लिए हमने ये सब सिस्टम बनाई है, डे, मंथ्स, इयर्स, डेकेड, सेंचुरी, लाइक दैट। ओके फाइन, चलो। सो हम लोग काल चक्र की बात कर रहे थे, पूरा काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरों का, ओके, पर इसको समझना है तो हमको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी पार्ट पार्ट में समझना पड़ेगा, और फिर पार्ट पार्ट में समझने के बाद ओवरऑल काल चक्र को देखना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, लेट्स डिवाइड दिस काल चक्र इनटू 2 पार्ट्स, एग्जैक्टली इक्वल 2 पार्ट्स, ठीक है। हम लोग सीधा बीच में लाइन दे देते हैं, यानी आपको वॉल क्लॉक सामने लाना है और 12 से 6 जो है वहां एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब क्या हो गया, 12 से 6 वाला एक फेज हो गया और 6 से 12 वाला एक फेज हो गया, 12 से 6 वाला फेज हो गया और 6 से 12 वाला फेज हो गया। तो अभी आपको ये 2 टर्मिनोलॉजी लर्न करनी पड़ेगी। 12 से 6 वाला जो फेज है उसे कहते हैं अवसर पिनी, अवसर पिनी, ठीक है, और 6 से 12 वाला जो फेज है उसे कहते हैं उत्सर पिनी, जो ऊपर जाता है, यानी कि जहां मिनट एंड्स, आर एंड्स सब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं उत्सर पिनी, ऊ, ठीक है, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं। और उसके बाजू वाला जो फेज है उसको कहते हैं अवसर पिनी। So we learned that, right? Yeah, fine. Chalo, let's go ahead. Okay. So wall clock ko 2 part mein divide kiya, 12 se 6, avsar pini, utsar pini. Ab dekhte hain, to wall clock ko thoda analysis karte hain. To uske andar kya ho raha hai, malum hai? 12 se 6, jab hum dekh rahe hain, to uske andar jo minute ends, hour ends hai, to wo kya ho raha hai? Niche, 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 niche ja rahe hain. Aur jab 6 se 12 ki aur aage badh rahe hain, तो वो सब ऊपर 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 जा रहे। सो हमें एक दूसरे नाम से भी इसको जानना है कि जो नीचे 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 जा रहे हैं उसे हम रिग्रेसिव साइकिल कहेंगे, यानी सब कुछ कम 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 हो रहा है, और जो ऊपर ऊपर जा रहा है उसे कहेंगे प्रोग्रेसिव साइकिल, जहां सब कुछ ऊपर 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 जा रहा है। सो हमने कहा रिग्रेसिव साइकिल और एक प्रोग्रेसिव साइकिल, ठीक है। रिग्रेसिव साइकिल को कहेंगे अवसर पिनी और प्रोग्रेसिव साइकिल को कहेंगे उत्सर पिनी। आई नो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो शायद ये कॉन्सेप्ट को जानते होंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे। हम लोग और डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। एनीवेज, सो हमने अवसर पिनी और उत्सर पिनी में डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, अवसर पिनी को भी है ना, पूरी अवसर पिनी को समझना इट इज डिफिकल्ट। सो लेट्स डिवाइड दैट अवसर पिनी इनटू 6 पार्ट्स, ठीक है। जैसे हम लोग घड़ी को सामने रखते हैं तो 12 से 6 कैसे 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 12 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। और जो असेंडिंग फेज है, प्रोग्रेसिव साइकिल है, उसको भी हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल एक काल चक्र के अंदर कितने पार्ट हो गए, 12 पार्ट, ठीक है। सो ये जो 6 पार्ट है उसे 6 आरे कहे जाएंगे, और वहां जो 6 पार्ट है उसको 6 आरे कहे जाएंगे। तो एक काल चक्र के अंदर 12 आरे हो गए, हाफ टाइम साइकिल के अंदर 6 आरे हो गए। पर देखो यहां डिफरेंस ये है कि हम लोग जो वॉल क्लॉक के अंदर देखते हैं कि जो
पार्ट्स है वो सब इक्वल है, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये सब इक्वल है, पर जब हम काल चक्र की बात करेंगे तो वहां पार्ट्स इक्वल नहीं है, पहला बड़ा है, दूसरा उससे थोड़ा छोटा, तीसरा उससे थोड़ा छोटा, चौथा उससे थोड़ा छोटा, ऐसे करते करते रिग्रेसिव साइकिल में ये जो आरा है, एरा कह सकते हैं उसका, एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से जो बैलगाड़ी होती है तो उसके अंदर जो स्पोक्स होते हैं ना बराबर, उसको आड़ा कहते हैं बराबर, एंशियंट लैंग्वेज में तो उसी हिसाब से उसको आड़ा कहते हैं, ठीक है, पर हम लोग समझने के लिए उसको एरा भी कह सकते हैं, अलग अलग एरा चेंज हो रहा है, राइट। सो बेसिकली 6 आरा बट दे आर नॉट इक्वल, बराबर, उनका जो ड्यूरेशन है वो इक्वल नहीं है। तो हम जब उत्सर्पिणी अवसर्पिणी की बात करेंगे तो पहला बड़ा है, दूसरा उससे थोड़ा छोटा है, तीसरा उससे थोड़ा छोटा है, और ऐसे करते करते 6 आ रहे हैं। और जब हम उत्सर्पिणी की बात करेंगे तो उसके अंदर 6 आ रहे हैं। तो हमारा ये टाइम साइकिल का इंट्रोडक्शन यहाँ कवर होता है। हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक क्विक रिकैप दे देता हूँ, हमने आज 3 प्रकार के प्रमाण देखे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण। साथ ही साथ हमने ये देखा कि जिसके शब्द हम प्रमाण मान रहे हैं वो पर्सन है कौन, ठीक है, और ये तो इतना अच्छा एनालिसिस है ना, यू थिंक अबाउट इट, राइट, द मोर यू विल डू चिंतन योर फेथ विल इंक्रीज, ओके, थिंक फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। उनके अंदर ना अटैचमेंट है, ना हेट्रेड है, ना फियर है, ना इनकम्प्लीट नॉलेज, सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, राइट, और उनके द्वारा हमको जो मिला है वो कितना ग्रेट नॉलेज होगा, और ये नॉलेज हमको शब्द प्रमाण आगम से लेना है, आगम ही हमारे प्रमाण है, ठीक है। सो इससे हमारी फेथ स्ट्रांग होती है, और फिर हम टाइम साइकिल के इंट्रोडक्शन में जंप हुए, और पूरी टाइम साइकिल 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी को 6 पार्ट में, जिसको 6 आरा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रमेश अंकल आप, आपके कितने हाथ है पहले मेरे को बता दो, क्योंकि आपका एक हाथ इधर होता है एक हाथ उधर होता है, कब कर लेते हो ये सब चीजें? ओके, ऐसा है क्या? ठीक है, मीन्स बाजू में लेफ्ट हाथ भी है, राइट हाथ भी है, सब बैठे हुए ही है, ठीक है, सहस्त्र हाथ है रमेश अंकल के एक्चुअली देखा जाए। हाँ, सो हमारी बात चल रही थी कि हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया और फिर 6 आ रहा, 6 आ, बस आज का टॉपिक इतना ही, ठीक है। सो आई हैंड ओवर इट टू मिस्टर रमेश शाह। Too many things to digest. So much of information, so much of knowledge. It's just amazing. Every class. It's very well said, Neel bhai, ki aapne bola ki ye sab cheez jaane ke liye apna faith badhta hai. Thank you so much. Anu parmanu shiv bani jao, akha vishwanu mangal thao, sarve jeevo mokshe jao. खामी में सब जीवे सवे जीवा खमंतु में नित्य में सब भुवे सु वैरम मज्जन के नहीं सर्वथा सब सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो राग द्वेष थी मुक्त बनी ने समता सब समाचरो